टॉपिक है वो प्रेम है, और जो कहानी लिखी हुई है वो ये समझाने के लिए लिखी है, कोशिश की है समझाने की कि प्रेम क्या होता है। तो कहानी का नाम फिरदौस है। फिरदौस जो लड़की है कहानी में उसका नाम है, उसी की कोई कहानी है। मैं प्रज्वल त्रिपाठी। शुरू करते हैं। ये ठंड का मौसम था, माना कि कश्मीर के लिए ये कहना मुनासिब नहीं है, पर जनवरी के महीने में लगभग हर जगह ठंड होती है तो ये ठीक है और कहानी को शुरू करने का सबसे बढ़िया तरीका। तो कश्मीर की वादियों में बसे गुरेज गांव में हर बार की तरह इस बार भी समा हल्की सर्द हवाओं और रुई सी सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ था, पर इस जमा देने वाली सर्दी में भी चिनार के पेड़ के नीचे बैठे समीर और उसके दोस्त हर शाम फिजा में अपनी गजलों और शायरियों से थोड़ी सी गर्मी भर देते थे। कभी कश्मीर की वादियों पर, तो कभी बर्फ से ढके पहाड़ों पर, कभी मिलिटेंट्स पर चर्चा, तो कभी आज़ादी पर। पर इन सबसे परे एक समीर ही था जो इश्क और मोहब्बत की जुबा से गजलें और शायरी बोलता था। अरे समीर भाई, आप ना तो वादियों की बातें करते हैं, ना इन पेड़ों की, ना पहाड़ों की, और ना ही इन खूबसूरत नदियों की। मेरा मतलब, इस कुदरत पर कुछ क्यों नहीं बोलते? अरे याकूब, तुम अब तक नहीं समझ पाए, कश्मीर का तो ज़र्रा ज़र्रा इश्क से भरा है, ये कुदरत तो मोहब्बत से लबालब है। मैं इन्हीं को देख सब लिखता हूँ, तुम इस कुदरत को देखो मत, बस महसूस करो। हाँ हाँ, आपको तो महसूस होगा ही, फिरदौस जो है यहाँ, सलीम ने चिढ़ाते हुए कहा। ये तो जहांगीर ने भी कहा है, जन्नत तो है ही यहाँ। अरे वो जन्नत नहीं, सलीम ने दोबारा चिढ़ाते हुए कहा। तो फिर कौन सी? फिरदौस का मतलब जन्नत ही तो है। अरे मैं जन्नत की नहीं, उस जन्नत की हूर की बात कर रहा हूँ जिसके साथ नदी पार करने वाले पुल पर चलने के लिए आप मरते हैं और गजलें लिखने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। वाह याकूब, क्या बोला है, सलीम ने हंसते हुए कहा। फिरदौस, वो जन्नत ही तो थी, वो आसमानी आँखें, वो गुलाब की पंखड़ियों से होठ, उसके चेहरे पर हर पल रहने वाली हल्की सी मुस्कान और आँखों के ठीक सामने लटकती घुंघराले बालों की एक लट। जब वो उस लट को अपनी एक उंगली से कानों के पीछे करती तो समीर थम सा जाता था। जब वो थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी तहजीब के साथ पुल पर पहुंचती तो समीर पहले से ही वहां अपनी हाजिरी दिए रहता था। उस पुल को समीर बातों का पुल कहता था, जबकि रत्ती भर भी गुफ्तगू ना होती थी दोनों में। जब याकूब और सलीम उससे पूछते तो कहता, होती है ना बातें, इशारों में, छोटी मुस्कुराहटों में और आँखों में। फिर जैसे ही पुल खत्म होता, वो अपने रास्ते और समीर अपने रास्ते। आज समीर का जन्मदिन था। वो सुबह उठा, नमाज पढ़ी, अल्लाह से बस एक ही दुआ मांगी, ए परवरदिगार, आज के दिन, कम से कम आज के दिन तो कुछ अल्फाज निकलवा दे उससे। किससे? पीछे से एक कड़क आवाज़ आई। अरे अब्बू, वो समीर की बिल्ली बीमार है ना, तो बस उसी की तबीयत मांग रहा था। 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने और ना कुछ बोली है। क्या नहीं बोली है? म्याऊ? जी अब्बू। तो क्या मीर की शायरी बोलेगी? अच्छा चलो ठीक है, और ये लो, जन्मदिन मुबारक हो। अब्बा ने समीर को एक किताब दे दी, रूमी के बोल। वाह, आपकी पसंद तो बड़ी अच्छी है। अरे हम भी कभी शायर थे। शुक्रिया अब्बू। अच्छा अब्बू, आज तो कोई काम नहीं है ना, समीर ने थोड़ी मायूसी से पूछा। नहीं नहीं, आज तो जन्मदिन है ना तुम्हारा, आज नहीं, आज वो काम नहीं, जाओ और खूब मस्ती करना। ये हालात भी ना इंसान से उसकी अनचाही चीज़ें करा देते हैं। समीर के अब्बा गुरेज की सरहद पर बने एक कब्रिस्तान पर काम करते थे। ना चाह कर भी कभी कभी समीर को उनकी मदद करनी पड़ती थी, कब्र खोदना और कभी ना जागने वालों को अल्लाह की गोद में देना। जब कभी वो अपने अब्बू से पूछता, अब्बू आप ये काम क्यों करते हैं, तो वो बोलते, क्योंकि अल्लाह ने मुझे चुना है लोगों को सही सलामत उस तक पहुँचाने को। अरे ये तो पाक काम है। समीर को ये सुनकर तसल्ली तो हो जाती, पर उन ठंडी लाशों को देखकर जो डर पैदा होता वो नहीं जाता। तो अपने जन्मदिन पर समीर आधे घंटे पहले ही पुल पर पहुंच गया था और जल्दबाजी में वो अब्बू की दी किताब साथ ही ले आया था।
थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुस्कुराती हुई फिरदौस पुल पर आ पहुंची। थोड़ी देर समीर के आगे खड़ी रही, फिर बिना कुछ बोले धीमे धीमे चलने लगी। समीर भी उसके पीछे हो लिया। थोड़ी देर खामोशी रहने के बाद समीर बोल पड़ा, आज हमारा दिल सर से है, कोई उधर से आवेगा या खत उनके हाथों का कासे दम तक लावे। फिरदौस थोड़ा हंसी और इधर उधर देख कर एक डब्बा और उसके नीचे एक कागज़ पुल पर रख कर आगे बढ़ गई। समीर ने जल्दी से डब्बा उठाया और कागज़ पढ़ा। उस पर लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो गालिब साहब। समीर सातवें आसमान पर था। उसे लगा कि बातों की लड़ी अब बनाई जा सकती है, तो उसने पूछ लिया, फिरदौस तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि आज मेरा जन्मदिन है? फिर वही सन्नाटा। बहुत इंतज़ार करने पर जब कोई जवाब ना आया तो एक और शायरी समीर ने कह दी, क्यों हो इतनी गुमसुम, कोई बात है क्या? ये जो दिल में है तो है पर जुबां न करती बयां, कुछ ऐसे अल्फाज हैं क्या? इस पर फिरदौस बोल पड़ी, सब्र करिए हुजूर, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। समीर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ पर कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, और पुल पर एक जगह जाकर खड़ा हो गया। इस पर फिरदौस हंस कर बोली, बस तुम्हारी बेचारों वाली शक्ल देख कर चलो तुम पर तरस किया। तो समीर तुम्हें भी शायरी पसंद है? फिरदौस ने पूछा। इस वक्त समीर की खुशी का ठिकाना न था, पर पुल थोड़ा छोटा था और वह खुशी का जिक्र करने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। हाँ और तुम्हें भी तो है? अरे वो तो मैं बस थोड़ा शौकिया तरीके से पढ़ लेती हूँ एक दो। तो तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ मौज मस्ती नहीं करोगे दोस्तों के साथ? समीर ने सोचा फिरदौस के साथ पुल के नुक्कड़ पर मिलने वाली चाय पिएगा, फिर जेब टटोली तो खाली। थोड़ी देर कुछ सोचा फिर बोला, अरे ये मौज मस्ती हम नहीं करते, हमें क्यों रास आई ये मौज मस्ती, हम तो शायर हैं। ये लो तुम्हारे लिए, और अब्बा की दी किताब उसे थमा दी। पर जन्मदिन तो तुम्हारा है ना? फिरदौस ने पूछा। अरे ये तुम्हें देने के लिए ली है मैंने, बड़ी मशक्क़त से मिली है, रख लो। शुक्रिया, रूमी मुझे भी बहुत पसंद है। फिरदौस ने किताब ली और अपने कपड़े के बस्ते में रख ली। आज बातें करते करते दोनों पुल के आगे निकल गए। सुनसान रास्ते पर चलते चलते उन्होंने कई शायरों और गजलकारों की बातें की। एक जगह रुककर फिरदौस की दी मिठाई खाई। आज समा भी इनके साथ था, सड़कों पर घूरने वाला कोई न था, कोई रोक टोक न थी, कुछ ऊंच नीच न थी। लोगों के बनाए तौर तरीकों से दूर ये एक ऐसा सफर था जहाँ बस वो थी और वो था। फिर एक पल आया, वक्त बीत गया। दोनों का मन तो ना था जाने का, पर दोनों ने ही शाम को किसी न किसी से घर लौटने का वादा किया था। दोनों ने अलविदा ली और चल पड़े अपने रास्ते। फिर अचानक समीर को कुछ याद आया, वो दौड़ते हुए उल्टे पैर फिरदौस के पास जा पहुंचा और पूछा, वो तुम्हारा जवाबी शेर वो कब दोगी? फिरदौस मुस्कुराई और बोली, जब मिलूंगी तब दे दूंगी। पर कहाँ मिलोगी? फिरदौस चली गई। समीर घर पहुंचा और दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया और सो गया। अगले दिन फिर सुबह वो पुल पर पहुंचकर बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा, पर वो नहीं है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया पर फिरदौस का कोई पता न था। फिर एक दिन सुबह सुबह समीर के अब्बू उसके कमरे में आए और हड़बड़ाते हुए बोले, समीर बेटे आज थोड़ा ज़्यादा काम है, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ और एक तुम समझ रहे हो ना? जी अब्बा, ठीक है, आप बेफिक्री से जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। अब्बू ने समीर को शुक्रिया कहा और वहाँ से चले गए। समीर समझ गया था कि उसे अब क्या काम करना है। समीर ने सोचा, चलो आज मन फिरदौस से हटाने के लिए यही काम सही। उसने फावड़ा उठाया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर अपने साथियों के साथ एक कब्र बनाई, फिर कहा, जी ले आइए। फिर कफन में लिपटी लाश को धीरे धीरे कब्र की ओर ले आया गया। कब्र में लिटाया गया और उसे ढांकने की तैयारी की जाने लगी। समीर कब्र की ओर बढ़ा और लाश को देखा। समीर के जिस्म जैसे रूह ही निकल गई हो, वो फिरदौस थी, वो उसकी फिरदौस थी। कब्र को ढाका जा रहा था और वो वहीं बुत की तरह खड़ा, उसकी आंखें
खुली की खुली और चेहरे पर एक दहशत की चादर थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके मन में एक तरफ फिरदौस को देखने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ पुल के हमेशा सूना रहने का गम। वो सारे लम्हे, वो सारे पल जो उन्होंने साथ बिताए थे, सब उसके दिमाग में फट रहे थे। अभी अभी तो शुरुआत हुई थी उनकी, बस कुछ पल साथ थे, फिर ये क्यों? वो बर्फ सा जम गया था, गले में जैसे कुछ अटक सा गया था। फिर उधर से उसने दो लोग को बात करते सुना। परसों इसके इलाके में मिलिटेंट्स और फौज की लड़ाई में बेचारी ये भी चपेट में आ गई। 2 दिन तक जिंदा रही, लेकिन आज सुबह सुबह अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर अचानक एक साथी ने कहा, समीर क्या हुआ? अरे इसे ले जाओ, ये थोड़ा डर गया है, घर ले जाओ इसे, हम यहाँ संभाल लेंगे। दो साथी समीर को घर पहुंचा है। पूरे रास्ते वो उससे सवाल करते रहे, पर एक लफ्ज नहीं निकाला उसने। समीर कुछ दिन तक बिना कुछ किए अपने कमरे में बंद रहा, बिना किसी आवाज के आंसू उसकी आंखों से रिसते रहे। उसे घर से बाहर पांव रखने की हिम्मत हो ही नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि अब उस जहां में जाकर वो क्या करेगा, जहां उसके जीने की वजह ही नहीं रह गई है। लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वो घर से बाहर निकला। आंखों में नमी और सूरत पर लोगों से बचने के लिए झूठा सुकून, और कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। वहां पहुंच थरथराते पैरों के साथ फिरदौस की कब्र तक पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने कब्र पर लगे पत्थर को देखा और कब्र पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा, और बस रोता रहा। उस पर लिखा था, फिरदौस जहां, सही और गलत की सोच के परे एक मैदान है, वहां मिलूंगा मैं तुझे। ये उस रूमी के बोल नाम की किताब का एक रूमी का छोटा सा बोल था। फिरदौस जवाब दे गई थी। आज 10 साल बीत गए, समीर आज एक शायर है। आज भी वो अपने जन्मदिन पर पुल पर और उस रास्ते से जरूर गुजरता है। आज भी वो फिरदौस के पास जाकर अपनी लिखी किताबें उसे पढ़कर जरूर सुनाता है। वो खुश होता है कि उसे इस जिंदगी में सच्ची मोहब्बत मिली, उसे फिरदौस मिली। तो ये थी एक प्रेम कहानी जिसमें न इजहार था, न इकरार था, पर प्यार था।